सो आज गए थे मार्केट बिकॉज फ़ोन को भाभी की आवश्यकता थी। भाई साहब ने मेरे को 10-15 फ़ोन दिखाए बट उसमें से मेरे को एक भी फ़ोन पसंद नहीं आया, बट ये अच्छा था, वीवो का था। फिर मैंने सोचा कि उन अपने धनों को थोड़ा धुलवा लिया जाए बिकॉज काफ़ी गंदी हो चुकी थी और भाई साहब गजब भी एक्सप्रेशन दे रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे गालियों की बौछार कर रहे हो। सो अपने गाँव पर बन रहा है नया नया रेलवे स्टेशन, गाँव पर जिसको आत्महत्या करना ही है उसके लिए अच्छा होगा, मतलब वैसे अच्छा होगा। कुछ ऐसा सीन है, अभी तो बन रहा है, बना नहीं है। बाकी ये तार इतने चिट-चिट क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता। इधर से आएगी रीवा से ट्रेन और इधर निकल जाएगी सीधी साइड, कुछ ऐसा सीन होगा। और अभी यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई है, आगे चल के इतनी गंदगी होगी कि क्या ही बोलूँ, मुझे पता है ना रीवा का भी यही हाल है। ये दिस इज द मिनी ट्रेन, अभी अभी आई है, ये ट्रेन मुड़ जा रही है। और ये है इसका एग्जिट एंड एंटर, जो भी हो यही है, ये एंटर है यहाँ से, यही एग्जिट भी है। हाँ मतलब उधर से आने वालों के लिए, इधर से आने का और इधर से चले जाने का, और जिसको जल्दी हो लोटा लेके खेत पहुँच जाने का सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिनट की बात, 4 मिनट बदल देंगे। और छोटू अब कुछ कहना चाहेंगे सर? चल सर, तो कहिए सर, सर 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 की फटी पड़ी है सर, कुछ तो कहिए सर। सर क्यों भाग रहे हैं सर, आप इतना डरते क्यों? नहीं उस पर सुसु नहीं करने का, अभी अभी दिलवाया मैंने। चलो कुत्ता सूंघ सूंघ के फिर सुसु कर देता है, मुझे पता। तो अभी 2 मिनट के लिए हुई थी बारिश और अपन काफी काफी नहीं थोड़ा बहुत भीग चुके हैं, जैसा कि गीली गीली मिट्टियां साइड में पड़ी, छोड़ हटाओ। और ये है ट्रेन का वो जो होता है, जो पटरी होता है वही है जो साइड साइड में पड़ी है, बस ट्रेन की पटरियां लग जाएं। और उधर कोने में है रेलवे स्टेशन, जिनको चाय की टपरी लगानी हो आइडिया दे रहा हूँ, पहले से बुक करा लेना, पीने तो मैं ही आऊँगा। सो कुछ ऐसा सीन है, और ये रात और बिजली से मतलब इससे इतनी आवाज आ रही है, इन तारों से लग रहा है कि चिपकी जाएंगे एकदम से।